राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लीला। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको कान्हा जी की ड्रेस बनानी सिखाएंगे और कान्हा जी की हमने आपको पगड़ी भी बनानी सिखाई है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब देखिए हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। आज पहले आप कोई भी इस तरह का गत्ता ले लीजिए, किसी भी कॉपी का चल जाएगा। गत्ता देखिए, मैं गत्ते की मेजर ले रही हूँ अपने कान्हा जी की पुरानी ड्रेस के अकॉर्डिंग। ये देखिए बिल्कुल फिट आ जाएगी। मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी सिखा रही हूँ आपको ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी मेजर यहाँ से देखिए 8.5 लूँगी। आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए बीच में मिड पॉइंट पर 4.5 पर, और इधर से भी 8.5 बीच मिड पॉइंट पर आप मार्क कर लीजिए। ये देखिए जो बीच का आपका पॉइंट आ जाएगा, उसकी हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस सर्कल को कैंची की मदद से कटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, और उसके बाद इस तरह आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। अब हम देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, आपके पास कान्हा जी की कोई भी पुरानी ड्रेस होगी, आप उसको इसके ऊपर रखिए, और उसके बाद आप ऐसे यहाँ से कान्हा जी का ये मेज़र ले लीजिए। ये जो मेज़र होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ये छोटा हो जाता है कभी बड़ा। तो आप इस तरह कर लें, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट आएगा कान्हा जी के कमर का माप। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से कान्हा जी कमर की माप कटिंग कर लिया। उसके बाद हम फ्रंट से इसको ऐसे पूरा कट कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम ये ऐसा सिंपल व्हाइट कपड़ा लेंगे, क्योंकि ये ड्रेस व्हाइट और स्काई ब्लू कलर की बन रही है, तो इसलिए हम सिंपल व्हाइट कपड़ा लेंगे। उसके ऊपर की तरफ फ्रंट साइज की ओर इस कपड़े की कटिंग करके इसको चिपका देंगे। ये देखिए, मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको आप कट कर लें, और ये जो गत्ता दिख रहा है इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर लाइन थी, इसको यहीं से यहाँ तक कट कर लीजिए, और इस गोल को भी। फ्रेंड्स, एक तरफ से हमने इस कपड़े को चिपका लिया। अब हम इसके दूसरी साइड पर देखिए, दूसरी साइड पर हम एक कपड़ा लेंगे, ये इसके थोड़ा बड़ा होगा चारों तरफ से। आप इसको यहाँ पर इस तरह करके चिपका सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मैंने सिलाई लगा ली है, और देखिए इधर से, ये देखिए इधर से। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम जिधर हमने सिलाई लगाई, इधर कपड़ा फोल्ड हो रहा है, उधर की तरफ हम एक नेट लेंगे। नेट का फैब्रिक ये देखिए, इसकी लंबाई में 3 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से 50 लिए मैंने। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने ज़्यादा घूमोगे उतनी प्यारी ड्रेस बनेगी। उसके बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई है वे देखिए 4.5 ली है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको अंदर की तरफ इधर फोल्ड करते हुए इधर की साइड, और इधर की साइड भी एंड में ऐसे ही फोल्ड करेंगे। इसके बाद ऐसे घूम बनाते जाइए, ऐसे घूम बनाते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगाते चलिए पूरे पर। मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह यहाँ पर ये घूम बनाकर यहाँ पर सिलाई कर दी है, और जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे मैंने कटिंग कर दी, और यहाँ पर भी सिलाई लगा दी अच्छे से। ये देखिए हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है इस तरह। अब इसके बाद देखिए हम ये कपड़ा लेंगे इस तरह का। मैंने स्काई ब्लू और व्हाइट के बना रही हूँ मैं कॉम्बिनेशन में। ये स्काई ब्लू कपड़ा लिया, और इसकी कैंची की हेल्प से आप इस तरह की पत्तियाँ इस तरह कटिंग कर लें ड्रेस के हिसाब से। ये देखिए लेंथ इतनी आ रही है मेरी, इस तरह काफ़ी सारी आप कटिंग कर लें। और उसके बाद कटिंग करने के बाद ये जो है एक्स्ट्रा यहाँ से धागे निकल जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइटर की हेल्प से इस तरह उसके कोने कोने को इस तरह अच्छे से आपको ब्लॉक कर देना है, जिससे धागे ना निकले बार बार। इसी तरह सभी पत्तियों को कर लेना है। देखिए मैंने काफ़ी सारी ये पत्तियाँ बनाकर रखी हुई हैं, और उसके बाद मैं आपको सुई में पिरोना बताती हूँ कैसे पिरोनी है। ये देखिए इस तरह आपको पिरोनी है इस तरह, जिससे बीच में आपको ऐसे मिल जाएगा। और ये देखिए, इसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह लगा देंगे, और आप इसको सुई की हेल्प से भी सिल सकते हैं। मैं मशीन से सिलूंगी इसको पूरी ड्रेस पर, इस तरह सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पत्तियों को यहाँ पर सिलाई मशीन की हेल्प से सिल लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिल लें, यहाँ पर एक सिलाई में हो जाएगा ये। उसके बाद आप इस तरह की ये लेस लीजिए, कैसी भी लेस ले सकते हैं आप, सिंपल पतली सी। ये देखिए, इसके बाद जहाँ मैंने सिलाई लगाई है उस पर मैं इस लेस को पूरी गोलाई में यहाँ पर सिल दूँगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसकी ऐसे 2 तिरछी पट्टियाँ लेंगे। ये देखिए, एक ये पट्टी ली है मैंने, और एक ये, इन्हें उरेब की पट्टी भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कच्चा किया हुआ है, इसको मैं सिलाई मशीन से कर दूँगी। उसके बाद इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर पूरे पर इस तरह सिल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह बाहर की तरफ ले आना है मोड़कर। ये देखिए आराम से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है, और इधर भी सेम ऐसे ही करना है, इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम एक ये लेंगे, नेट का छोटा सा पीस ले रही हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर ये देखिए इस नेट की मैं यहाँ पर डोरी बना लूँगी। पहले यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, और इसकी सुई की हेल्प से, मशीन की हेल्प से मैं इसको डोरी में कन्वर्ट कर दूँगी, या फिर आप कोई भी डोरी ले सकते हैं मार्केट से लाकर। ये देखिए, उसके बाद डोरी जब ये बन जाएगी तो मैं इस तरह यहाँ पर इसको कवर अप कर दूँगी, और उसके बाद ये जो मैंने लगाया हुआ है इस कपड़े पर यहाँ पर मैं सिलाई मार दूँगी सारे में। डोरी को थोड़ा बचा कर रखें, जिससे आगे पीछे हो सके, या सारे में अच्छे से सिलाई लगा लें। उसके बाद ये जो हमारी डोरी है, इसके बाद मैं छोटे छोटे 2 पीस ले रही हूँ। ये देखिए इक्वल है इनका नाप। उसके बाद यहाँ पर जब ये डोरी बन जाएगी, मुझे इसको यहाँ पर लगाना है इस तरह, और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लूँगी मैं, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डोरी बना ली है कान्हा जी की। आप ऐसे करके यहाँ पर डोरी बांध देंगे,
इसके बाद देखिए मैंने सिंपल वाला ये बिंदी का पत्ता यूज़ किया है, ये स्काई ब्लू बिंदी मैंने यहाँ पर लगा दी है जगह जगह, इससे ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और मैंने ये वाली जो लेस यहाँ पर यूज़ की थी यही लेस मैंने सेम यहाँ पर भी लगा दिया है। इसके बाद आप इस तरह के स्टोन ले सकते हैं या फिर इस तरह के भी, ये देखिए यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये वाले स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जैसे देखेंगे कान्हा जी के यहाँ पर ऊपर चोली बनाना कान्हा जी की। अब इसको हम एक तरफ देते हैं। ये देखिए, ये हमने एक कपड़ा लिया है सिंपल वाइट जो हमने अपनी ड्रेस में नीचे यूज़ किया था। अब देखिए मैं इसके नाप आपको बता देती हूँ, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ये मैंने 10.5 लिया है। इसके बाद ये जो हम नेट यूज़ की थी हमने यहाँ पर ड्रेस में ऊपर की तरफ यही वाली नेट में ले रही हूँ, ये देखिए, ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए इसका अच्छा। ये भी मुझे इतनी कर लेनी है, इसको एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेना। ये भी मैंने 10.5 कर लिया, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बता रही हूँ मैं ये। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से भी बहुत ही बारीक बारीक और इधर से भी ऐसे फोल्ड करके दोनों को साथ में इधर भी सिलाई कर लें और इधर भी मशीन की हेल्प से कर लें आप ये। इसके बाद ये देखिए, ये पूरा जो अभी तक है ये 1.5 इंच है, 1.5 के करीब है कम से कम, आप इसको 1 कर लें, इधर से भी इतना थोड़ा फोल्ड करें और इधर से भी, और इसको पूरे को यहाँ से 1 इंच कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये फोल्ड हो जाए तो जो हमने कान्हा जी की ड्रेस में ये वाली लेस यूज़ की थी, मैं इस लेस का यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये वाली लेस इसके एक तरफ जब अंदर से फोल्ड जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर लगा दें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी थी, ये मैंने इक्वल करके 2 साइज़ में काट लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह करके यहाँ पर आप इसका हाफ पार्ट ले लें, ऐसे करके हाफ पार्ट में यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है, यहाँ वी शेप आनी चाहिए, इस तरह सिलाई लगा लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पट्टी सिल दी है। ये देखिए, हमारे कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो चुकी है और ये ड्रेस भी बिल्कुल तैयार है इसी फैब्रिक की। मैंने कान्हा जी की पगड़ी भी सिखाई है और मैं कान्हा जी की ज्वेलरी भी आप लोगों को सिखाऊंगी। तो हम कान्हा जी की वीडियोस देखने के लिए, कान्हा जी की ड्रेसेस बनाने देखने के लिए, कान्हा जी की हम आपको धोती भी सिखाएंगे बनानी, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच।